अम्बेडकर जी का जन्मदिन आपने मनाया और खास तौर पर काफी भीड़ियां मौजूद है, मंत्री जी की मौजूदगी में आपने एक बड़ा सवाल उठा जो आज तक किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई है। आपने कोशिश की और कहा कि विधानसभा में उठाएंगे, तो ये जो अम्बेडकर की तस्वीर लगाने की आपने बात कही है, क्या है मामला? देखिए, भारतवर्ष आज ऋणी है भारत माता के लाल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का। क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत से मेंबर्स थे जब संविधान बना है, लेकिन उसके चेयरमैन बाबा साहब थे। 60 मुल्कों से संविधान बनाने की प्रेरणा ली गई, आयरलैंड से डायरेक्टर प्रिंसिपल्स लिए गए, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी। भारत के लिए एक ढांचा तैयार किया गया। मैं तो कहता हूँ कि महापुरुष थे, और अगर भारत के पिता का दर्जा दिया जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर को दिया जाए। बहुत हो गया गांधी जी का। गांधी जी ने सबसे बड़ी गलती करी, मैं नहीं मानता उनको राष्ट्रपिता की गलती करें ऐसी, जवाहरलाल नेहरू जैसे अकर्मण्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर, जिनकी वजह से दुनिया भर की हमारी बेइज्जतियां हो गई, चीन का युद्ध हम हार गए, कश्मीर का प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती यूनाइटेड नेशंस में जाकर के प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट अपने भारतवर्ष के हिस्से को लिखवा दिया, धारा 370 जो आज आपके गले की फांस बनी हुई है, वो नेहरू जी की देन है, और नेहरू जी गांधी जी की देन थे, नहीं तो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना था। और उससे भी बड़ी बात थी, अगर मोहम्मद अली जिन्ना को बना देते तो पाकिस्तान बनता ही ना। तो मैं कहता हूँ कि हमारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं। आज से गांधी जी का फोटो हटा करके नोट पे, सरकारी नोट पे अम्बेडकर जी का फोटो लगाया जाए। हमारे पिछड़े दलित वर्ग की ये मांग है, उनको सम्मान देने